सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कल्पना जो सितारों में खो गई। साथियों, ये कहानी है उस कल्पना की जिसकी परवाज थी सितारों से आगे की, जो बस एक याद बनकर रह गई है भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के एक नाम में, स्कूली छात्रों के मन में एक छात्रवृत्ति के रूप में और नासा के एक मेमोरियल पर लिखे शब्दों में। हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। कल्पना का जन्म 1 जुलाई सन 1961 को भारत के हरियाणा राज्य के छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी दास व माता का नाम संयोगिता देवी है। बचपन में उनका लाडला नाम मोटू था। कल्पना, जिसके नाम का अर्थ इमेजिनेशन है, अपने नाम के अनुरूप वो एक अत्यंत कल्पनाशील बालिका थीं। वो अक्सर कल्पना करतीं आकाश की, उसकी अनंत ऊंचाइयों की। एक दिन की बात है, भाई जल्दी चलो, स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। बस अभी तैयार हुआ, कोई देरी नहीं होगी। तू साइकिल भी तो बहुत तेज चलाती है। अच्छा चलो। हम चलो। आई, क्या हुआ, रुक क्यों गई? भाई वो देखो, दूर आकाश में ग्लाइडर विमान, उड़न खटोले जैसा। देखो देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर और ऊपर। मेरा भी बहुत मन करता है हवा में उड़ने का। क्या कभी हमें भी मौका मिलेगा इसमें बैठने का? मोटू, पिताजी से कहेंगे कि अगर वो कोशिश करे और फ्लाइंग क्लब के किसी विमान में हमें एक बार उड़ने का मौका दिला दे। अगर ऐसा हो जाए तो कितना आनंद आएगा। करनाल उन चंद शहरों में से एक था जहां तब एविएशन क्लब था। उनके पिता उन्हें एविएशन क्लब ले गए और वहां आखिर एक दिन कल्पना के पिताजी ने एक पुष्पक विमान में छोटी कल्पना और उसके भाई को उड़ान भरने का अनुभव करा ही दिया। इसी घटना का वर्णन आइए सुनते हैं कल्पना की ही आवाज में। We lived in a town which is a very small town and one of a handful of towns at that time which had flying club. Once in a while we'd ask my dad if we could get a ride in one of these planes and he did take us to the flying club and get us a ride. उनकी स्कूली शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल विद्या निकेतन में हुई। सन 1976 में मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए चंडीगढ़ गईं। वहां सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीटेक की डिग्री प्राप्त की। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गईं।
वहां टेक्सस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी एमएस और कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दिसंबर सन 1994 में वो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुन ली गईं। और फिर अगले साल मार्च में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स के 15वें ग्रुप में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। मेहनत, लगन और समर्पण के बल पर उन्होंने सफलता के कई पड़ाव पार किए। सन 2003, पहली फरवरी का दिन, बादल रहित नीला आकाश, वो बसंत की खुशगवार शाम, अमेरिका का पूरा टेक्सस राज्य, जिसमें अंतरिक्ष प्रेमी भी शामिल थे, हाथों में फूल थामे खड़े थे मुंतजर नजरों के साथ। वजह थी, कुछ समय के बाद 16 जनवरी को अंतरिक्ष में भेजा गया स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 16 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरने वाला था। ये कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी। इससे पहले सन 1997 में कोलंबिया STS-87 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले 6 सदस्यों में वो शामिल थीं। 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक वो अंतरिक्ष में रहीं और उन्होंने 65 लाख मील की दूरी अंतरिक्ष में तय की। इस प्रकार उन्हें प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। कोलंबिया STS-87 के बाद जब दोबारा कोलंबिया STS-107 अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना गया तो आमंत्रण पाकर वो खुशी और उत्साह से उछल पड़ी और इस उड़ान को परफेक्ट करने की ठानी। इस अंतरिक्ष मिशन के 7 सदस्य थे। उनका संक्षिप्त परिचय। रिक डी हस्बैंड इस मिशन के इंजीनियर कमांडर। विलियम सी मैककूल इस मिशन के पेलोड पायलट। माइकल पी एंडरसन वैज्ञानिक पेलोड पायलट स्पेशलिस्ट। इलान रेमन बचपन से हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन और इजराइल के प्रथम एस्ट्रोनॉट। और भारतीय मूल की डॉक्टर कल्पना चावला, जिन्हें उनके सहकर्मी केसी कहकर पुकारा करते थे, मिशन स्पेशलिस्ट एरोस्पेस इंजीनियर अपनी दूसरी उड़ान पर। डेविड एम ब्राउन मिशन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट सर्जन और लॉरेल साल्टन क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट सर्जन कल्पना की महिला साथी। कोलंबिया STS-107 एक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय विज्ञान अनुसंधान मिशन था, अपनी उड़ान के लिए तैयार। Computer monitors as well as signals from the astronaut. The flight is stable. Columbia Space Shuttle अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों में विचरण कर रहा था। सभी वैज्ञानिक
अपने अपने प्रयोगों में जुटे हुए थे। जब डॉक्टर कल्पना चावला इस वैज्ञानिक अभियान में थीं, तो उनके उत्साह और जिज्ञासा का अंदाजा इस प्रसंग से मिलता है। करनाल से अमेरिका हजारों मील दूर और अब अंतरिक्ष से अपनी धरती और अपने देश को वो देख सकती थीं। आत्मविभोर होकर उन्होंने अपने क्रू के साथियों को वहां बुलाया और सबको वो विहंगम दृश्य दिखाया। देखो तो कितना अद्भुत नजारा है। विलियम, रेमन, यहाँ तो आओ। आ रहे। इस खिड़की से जरा नीचे तो देखो, बिल्कुल जादू सा लगता है। अमेजिंग। वो देखो, वो मेरा देश। अच्छा। कैन यू सी इट? दैट्स माय कंट्री इंडिया। अरे वाह। और ये सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि मेरी आँखों में आधी धरती रोशनी में है और आधी धरती अंधेरे में। इट्स रियली ऑसम। सचमुच ऊपर से सब कुछ कितना सुंदर लगता है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि बिना किसी बॉर्डर और बाउंड्री के हम अपनी पृथ्वी को देख सकते हैं। रियली अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा भी आए कि सारी मानवता किसी सरहद और बाधा के बिना शांति और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रह सके। हर एक के होठों पर आश्चर्य के शब्द और चेहरे पर विस्मय के भाव थे। आइए सुनते हैं अंतरिक्ष से इस विहंगम दृश्य को देखकर उन्होंने क्या कहा। एक फरवरी सन 2003 स्पेस शटल का 16वां दिन। कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर उतरने वाला था। पर किसे पता था आगे क्या अनहोनी होने वाली थी। चालीस सेकेंड के बाद वीडियो मॉनिटर पर वो हुआ जो कोई देखना नहीं चाहता था। धरती से मात्र 63 किलोमीटर परंतु बहुत तेज 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे कोलंबिया स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा। धरती पर उतरने में सिर्फ 16 मिनट रह गए थे और शटल सफेद धुएं की लकीर में बदल गया। मिशन कमांडर के आखिरी टेलीमेट्री सिग्नल पर मिलने वाले आखिरी शब्द थे रॉजर आह बा बट। कुछ पल में ही सब कुछ बिखर गया। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर सारा विश्व जिसने भी सुना, चाहे वो विज्ञान से संबंध रखता था या नहीं, सकते में आ गया।
एक उदासी थी सभी के चेहरों पर। साथियों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष दीवानी अंतरिक्ष में ही सितारों में खो गई हमेशा के लिए। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले नेशनल पब्लिक रेडियो को दिए गए प्री फ्लाइट इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से अपने मिशन और मिशन के दौरान उनके और उनके साथियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों के बारे में स्कूली बच्चों और आम लोगों को बताया। कल्पना जी, इस प्री फ्लाइट रेडियो इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम आपसे कोलंबिया स्पेस मिशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कल्पना जी, जबकि कुछ ऐसे अनुसंधान भी हैं जो पृथ्वी पर ही होते हैं, फिर उन्हें करने के लिए हमें अंतरिक्ष में क्यों जाना पड़ता है? देखिए, हम अंतरिक्ष में दो कारणों से जाते हैं। जी। पहला कारण, वहाँ सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति है जो भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षणों में मददगार है। तो कल्पना जी, ये तो रहा पहला कारण, अब दूसरा कारण बताइए। जी, दूसरा कारण है अंतरिक्ष ओजोन फैलाव से जुड़े अध्ययनों के लिए एक बेहतर स्थान है। अच्छा मैडम, क्या हमें ये बताएंगी कि कोलंबिया स्पेस मिशन के अनुसंधान का लक्ष्य क्या है? देखिए, हम अंतरिक्ष में पहुंचकर मानव कल्याण के लिए भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रयोग करेंगे। भूविज्ञान में पृथ्वी पर मौजूद एरोसोल और धूल कणों और पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की पतली होती परत के बारे में भी विशेष प्रयोग किए जाएंगे। अच्छा मैडम, हमें ये भी बता दीजिए कि इन प्रयोगों से हमें हासिल क्या होगा? देखिए, भौतिक विज्ञान में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि भूकंप रोधी मकान कैसे बनाए जाएं। जी। और जीव विज्ञान में प्रयोगों के द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि कैंसर निरोधक दवाओं का विकास कैसे किया जा सके। धन्यवाद कल्पना जी, हम आपके सफल अंतरिक्ष अभियान की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। इस विदेश में बसी भारतीय को उसका बचपन का स्कूल नहीं भूला। भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की। सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मौसम संबंधी अब जो भी उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना की स्मृति में अब से कल्पना सैटेलाइट होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने भारतीय स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कल्पना चावला की स्मृति में छात्रवृत्ति शुरू की है। जब जब इस छात्रवृत्ति की घोषणा होगी, इसे पाकर कई छात्र कल्पना चावला के दिखाए रास्ते पर चलने को प्रेरित होंगे। सितारों में पहुंचने की राह कठिन है, जोखिम भरी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, पर एक वैज्ञानिक को ये मुश्किलें रोक नहीं पाती। तो साथियों, ये थी दास्तान कल्पना की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों को, ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छू लेने की अदम्य इच्छा थी। आज वो कल्पना सितारों में खो गई है, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। कल्पना जो सितारों में खो गई, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, विषय संयोजन और आलेख
डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, दिनेश वर्मा, प्रवीण शर्मा, राजश्री त्रिवेदी, हन्ना और आरोन, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।